लिए एक नोटिस टाइप मैसेज है कि अभी से ये जो आप ये वाला जो ब्लॉग देख रहे हो इसमें 21 से 29 नवंबर जो भी मैंने किया है सब है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, खराब हो गई थी, तो मैंने बहुत कम ब्लॉग किया है। सिर्फ 26 नवंबर का अलग से ब्लॉग आएगा क्योंकि उस दिन सपनल का बर्थडे था। कि जो भी मैंने कुछ किया है डेट के साथ वीडियो प्ले होगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड। इस वाला ब्लॉग का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे एडिट होगा क्या होगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड, थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज दिन का शुरुआत बहुत लेट हुआ है, बाहर से यार 4:30 हो रहा पता चल गया होगा क्यों इतना लेट हो गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और क्योंकि तबीयत ठीक नहीं तो मैंने व्लॉग आज शुरू ही नहीं किया। और आज अभी हम जा रहे हैं हमारे एक और दादी है उनके घर पे, थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का रिचुअल्स क्या है, कैसे गाना गाते हैं। अनन्या ड्रॉप डॉग है, तो थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगा वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वो बता देता हूँ। तो हमारे एक भाई लगेंगे रोहित करके, तो उनकी शादी है। तो अक्सर यूपी में जब शादी का डेट नज़दीक आने लगता है तो गांव के सारी ओल्डर वुमेंस ही नहीं उनकी बहन की एज या जो भी फीमेल्स हैं वो आके यहाँ पे गाना गाते हैं। गाना नहीं गा रहा है वो, किसी ना टाइप का एक ब्लेसिंग दे रहे हैं जो ट्यून। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा है। कर देना कर देंगे देख। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज है 25 नवंबर। अभी हम जा रहे हैं हमारे गांव में उनके घर पे तिलक क्या होता है वो बताता हूँ। जब किसी की शादी होती है तो जो दुल्हन होते हैं उनके घर से लोग आते हैं सब सेरेमनी करने, तो वो है मिठाई खाने को मिलेगा, मिठाई मिलेगा। अब हम सपने का वो रिएक्शन याद करेंगे। आपकी तरफ से 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। नाइस सेरेमनी, नाइस इवेंट, एंजॉयड इट, लव द फूड एंड एवरीडे। आई लाइक द फूड, मतलब ऐसा लगा नहीं कि यूपी का कोई शादी में आया हूँ, इट वॉज लाइक मुंबई का कोई इवेंट कर रहा हूँ। के पानी से बाल को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कटा रहा हूँ बाल। कटाना वो भी एक अच्छा कंटेंट मिलता है, मतलब रूरल साइड हेयर कटिंग करके वीडियो बन जाता था, लेकिन अब बाल ग्रो करना मेन गोल है तो अब मुझे लगता नहीं मैं कट रहा हूँ। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम जा रहे हैं अपना बाल काटने।
दिल पे पत्थर रख के मैं कह रहा हूँ कि मैं बाल काटने जा रहा हूँ, मुझे काटना तो था नहीं। दादा दादी पापा मम्मी सब बोल रहे कटा ले, ज़्यादा बड़ा हो गया। मुझे भी लग रहा है बहुत बड़ा हो गया, यहाँ तक आ गया। तो आज हम बाल कटाएंगे। एक नंबर श्रेयस, प्राउड ऑफ यू, चुप में शरी। ठीक है ना, इतना फुटेज बस हो गया ना तेरे को कि और देना है। चलेगा, चल इंजॉय। हाँ चल भाई। तो श्रेयस की एक नई मूवी आई है, आई एम प्रीटी श्योर जब तक ये व्लॉग आएगा आप सब लोग देख चुके रहोगे। अगर नहीं देखा रहेगा तो भी मैं लिंक दूंगा नीचे, उसने IGTV पे डाला था। इट्स कॉल्ड एज दो दिन का मेला है, उसमें उसने वो मैं क्यों बताऊँ, आप जाके खुद देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जाके देखो, बहुत अच्छा वीडियो बना है। तो जब पहले शॉप पे गए थे वो शॉप बंद नहीं था, मतलब वो शॉप ओपन था लेकिन पूरा भरा हुआ था लोगों से, मतलब चार पांच लोग ऑलरेडी वेटिंग में थे। तभी हम लोग आ रहे दूसरे शॉप में, ऐसा दूसरा शॉप भी ऐसे फुल होना चाहिए, मेरा बाल काटने को ही नहीं होना चाहिए। Done with the haircut. I love the haircut. और मैंने shave भी कराया है। तो आप ही पता नहीं चलेगा आप लोगों को। मैं अभी घर पे आऊँगा, थोड़ा oiling करूँगा, उसके बाद shampoo करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि बाल कैसा दिख रहा है। काबा? हम बाल ही से कटाए थे कि सामने वाले को पता ना चले। अच्छा लगा ना? अच्छा ना लगा ना? ऐसे का रिएक्शन देता हूँ रे, बोल ठीक हो? पहले तो नंगा भी दे, बता अच्छा दिखत भाई। हाँ ना नहीं तो शरीर पर नहीं दे लेता हूँ का ला भगवान पर। पहले बाल बताओ किस तरह लगा था? अच्छा लगा था ज्यादा, लेकिन भले बितना चले का बा ज्यादा बा ऐसे जाना तो पप्पू की ना एकदम से तो देखा था। देखिए मेरा हेयर कट है, रिव्यू तो देख लिया आप लोग ने, फैमिली वालों को कैसा लगा? फैमिली वालों को बहुत अच्छा लगा है, पापा मम्मी स्पेशली दादाजी बहुत खुश हुए हैं। मुझे पसंद नहीं आया लेकिन दे ऑल आर हैप्पी, तो आई एम हैप्पी। मैंने बहुत दिन से छोटे बाल नहीं किए करके मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आई एम लुकिंग नाइस। अभी आया मैं ऐसे मार्केट घूमने। मेरा बाल कैसे लगा था? मैं बाल बहुत सुंदर, असली रिएक्शन था, कैमरा देख के नाटक मत करा। सच में अच्छा, बहुत अच्छा लगा था। कैमरे के सामने नखरा है सब, पहले वाला नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है, सच अच्छा लग रहा है, पर पहले वाला नहीं लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है। मतलब पहले वाले से गंदा लग रहा था, पहले वाले से गंदा लग रहा था, गंदा नहीं लग रहा है, पर ठीक लग रहा है। ठीक मतलब बस मैं नहीं आऊंगी। Thank you.
अरे ब्लॉग के लिए इतना ही रखना है, कल से हर एक दिन का अलग ब्लॉग आएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल, बहुत थक गया हूँ। हेयर स्टाइल सबको बहुत पसंद है। बाय। कल का जो दिन है वो मुझे स्पेशल एक ब्लॉग करके डालना है, मतलब कल के लिए। मैं चाहता हूँ कि कल जो कंटेंट है वो उसी के लिए हो। कल मतलब 26 नवंबर स्वप्निल का बर्थडे है, मेरे छोटे भाई का। तो कल का ब्लॉग सिर्फ उसका बर्थडे के लिए होगा, इसलिए ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये ब्लॉग कैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कितना लंबा होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेट्स सी हाउ इट गोज। टिल देन आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करने वगैरह मत जाना।